साइंस ऑलवेज लीड्स टू अ क्वेश्चन. अब नैनो साइंस और नैनो टेक्नोलॉजी का सिर्फ फर्क ये है कि एक बहुत ही नई चीज़ है, बहुत सारा इस्लामिक कंट्रीब्यूशन भी है इसके अंदर. ये बात आइंस्टाइन ने जाके कही थी जिसको नोबेल प्राइज मिला. सर अभी रीसेंट डेवलपमेंट्स इन नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो साइंस, अगर थोड़े से वो शेयर करें. सबसे बड़ी बात है वो मेडिसिन की, उसको कहते हैं डायरेक्टेड ड्रग डिलीवरी. अब उसमें ऐसी भी ड्रग्स आ गई हैं जहानत को डबल कर देंगी. तो उसमें 2000 से ज़्यादा ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिसमें नैनो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है ऑलरेडी. आप शर्ट है, शर्ट के अंदर उन्होंने नैनो सिल्वर डाल दिया है. एग्रीकल्चर फील्ड इज वास्ट इन नैनो टेक्नोलॉजी. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान. वेलकम टू वी यू टी वी एंड टुडे वी आर गोइंग टू बी हैविंग ए पॉडकास्ट ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी एंड नैनो साइंसेज. लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर वेरी फॉर्चुनेट दैट टुडे वी हैव एन इंटरनेशनल इल्यूमिनरी, ए सीनियर एक्मेडिशन एंड ए साइंटिस्ट हु हैज बीन वर्किंग इन दिस फील्ड फॉर द पास्ट 35 ईयर्स. वी हैव विद अस सन ऑफ द सॉयल, the very honorable Dr. Ismat Shah Sahab, who is from the city of Karachi and now has been contributing towards global advancement and progress from his base in Delaware University, USA. Ladies and gentlemen, it is extremely heartening to see how Dr. Sahab traveled from the city of Karachi and then to USA, and then through his research, which includes more than 250 research papers and 6 patents, has been able to contribute towards the betterment of humanity and also the advancement of science in the cutting edge area of nanosciences and nanotechnology. Sir, it is such an honor and such a privilege to welcome you to VUTV. Virtual University is also very fortunate that Dr. Sahab, in his short stay in Pakistan, has been able to basically develop 2 courses for Virtual University. One course is on energy economics and the second course is on nanotechnology. Again, we would like to thank sir that despite all of his commitments, he was able to share his knowledge with the students, the youth and the practitioners in Pakistan. Sir, again, just to move forward and to understand this very cutting edge and innovative subject of nanosciences and nanotechnology, a person like me who is a lawyer and a teacher of management and law doesn't understand the difference between nanotechnology and nanosciences. So please, sir, share with us. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. First of all, thank you very much for accommodating me for this interview. It has been an absolute blast and a pleasure to be here. And to record the courses and to be able to sit with you and talk about nanoscience and nanotechnology. तो science और technology का हमेशा से एक रابطہ रहा है. Science वो है जिसमें कुछ लोग समझते हैं, कुछ लोग सीखते हैं कि कोई भी process है उसकी वजह क्या है. और science always leads to a question. Technology जो है वो science से benefit होके उसकी जो eventually जो उसकी product है वो वही है कि कोई एक device बनाए या कोई ऐसी चीज़ बनाए जिसमें उस science का इस्तेमाल हो जो कि साइंसदानों ने पहले समझ के समझाया. तो यही चीज़ नैनो साइंस और नैनो टेक्नोलॉजी की भी है. अब नैनो साइंस और नैनो टेक्नोलॉजी का सिर्फ फ़र्क ये है कि एक बहुत ही नई चीज़ है. अब मैं जब उसके बारे में मैंने काम करना शुरू किया, मैं उस वक्त से काम कर रहा हूँ जब मैं डूपॉन्ट में था, जो अब 12 साल मैंने डूपॉन्ट में गुजारे थे. तो हम लोग कैटालिसिस करते थे, केमिकल रिएक्शन को प्रमोट करने के लिए कुछ चीज़ें डालते थे और वो हमेशा नैनो स्ट्रक्चर, नैनो साइज़ की होती थी. लेकिन कोई नैनो टेक्नोलॉजी की बात नहीं करता था, वो कैटालिसिस की बात करते थे. तो ये बाद में जब 1980 के करीब जाके ये चीज़ें थोड़ी सी और आगे बढ़ी तो उन्होंने फिर नई चीज़ों का नाम दिया नैनो साइंस. एक एरिक ड्रेक्सलर एक साहब होते थे, उन्होंने लफ्ज नैनो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया. फिर उसके बाद एक तो नॉन इंटेंशनल नैनो टेक्नोलॉजी थी जो कि लोग इस्तेमाल करते आ रहे. तो इसकी एग्जाम्पल जो है वो 5-5, 6-6 हज़ार साल पहले की बात, जो फिरौन के ज़माने के में भी जो गोल्ड का काम होता था ना, वो गोल्ड का होता, गोल्ड की पत्ती नहीं होती थी, पत्ती भी इस्तेमाल करते थे लेकिन गोल्ड का एक कोलाइडल सोल्यूशन बनाते थे. उनका कोलाइडल सोल्यूशन जो बनता था वो नैनो सोल्यूशन होता था, गोल्ड के नैनो पार्टिकल्स होते थे. बहुत सारे इस्लामिक कंट्रीब्यूशन भी है इसके अंदर. हकीम अबू सीना ने तो ऐसी बात भी कही थी कि जो कि आइंस्टाइन ने बाद में जाके 1805 के अंदर उसको जो है नोबेल प्राइज़ मिला है उसके ऊपर मिला है, जो कि उससे कोई समझ लीजिए 300 साल पहले की बात जो उन्होंने कही थी कि अगर
लाइट जो है वो पार्टिकल्स पे मुनसर है, तो इसका मतलब यकीनन उसकी एक फाइनाइट लिमिट, स्पीड लिमिट होगी लाइट की। ये बात आइंस्टाइन ने जाके कही थी जिसको नोबेल प्राइज मिला। अब एक और एग्जाम्पल है, मायंस है, सेंट्रल अमेरिकन के एक जनरेशन थी जो बिल्कुल गायब हो गई एक बार जाके। उनकी जो पेंटिंग्स जो थी वो 1500 साल पुरानी पेंटिंग्स हैं, वो अब आप जाके देखें उसके कलर्स ऐसे हैं जैसे ब्रिलियंट कलर्स। उसकी अब उन्होंने लोगों ने इन्वेस्टिगेशन की कि ऐसा कैसे हो गया, ये तो जो पोस्ट कॉलोनियल पेंटिंग्स हैं वो आके बिल्कुल मधम पड़ गई हैं, उनकी इतनी शाइनिंग नहीं रही है, फिर उनकी बड़ी प्रोटेक्शन करते हैं, ये तो सूरज में पड़ी रही थी बल्कि बाकी कुछ चीज़ें तो ज़मीन के अंदर धंसी हुई थी, उनको निकाल के साफ किया तो एकदम ब्रिलियंट। उसको देख के उन्होंने एनालाइज किया इसको, तो वो पता चला वो एक कोबाल्ट ऑक्साइड की वो लेयर्स बनाते थे, वो लेयर्स की वजह से, वो इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से उसकी ब्रिलियंस आती थी। वो उस वक्त से थी और अभी भी है वो। तो ये एक बड़ी वो दमिश्क की सॉल्ट होती थी ना, डोमेस्कस सॉल्ट, डोमेस्कस सॉल्ट के अंदर वो यहाँ से जाता था बरसगीर हिंदो पाकिस्तान से, वो उसका लोहा जाता था वहाँ पे, और वहाँ से उसकी वो तलवार बनाते थे। वो तलवार में क्या ज़बरदस्त थी, वो तो मशहूर थी, सारे जो क्रूसेडर्स थे उनको यही समझ में नहीं आता था कि ये तलवार बनाते कैसे हैं। और उसके अंदर जो अब उन्होंने नई देखना शुरू किया तो पता चला उसमें नैनो ट्यूब्स भी हैं। अब वो क्या उनको पता था कि इसमें नैनो ट्यूब्स हैं, या उन्होंने प्रोसेस ऐसा किया था कि इत्तेफाक से उसमें नैनो ट्यूब्स बन जाती थी। तो ये साइंस और टेक्नोलॉजी का ये डिफरेंस है कि एक तो सोच समझ के कि हाँ इसमें नैनो ट्यूब्स हैं और ये हमें डालनी है, वो साइंस हुई, या आपने एक प्रोसेस ऐसा बनाया जिससे वो तलवार बन गई जिसकी ऐसी वो थी, तो वो टेक्नोलॉजी हुई। तो वेरी फैसिनेटिंग है सर। तो सर दूसरा ये बताइएगा कि जैसे आपने नैनो साइंस और नैनो टेक्नोलॉजी की बात की, तो नैनो क्या होता सर? हाँ, ये नैनो की एक बड़ी मजे की बात यह है कि नैनोमीटर, राइट, सो दैट्स वेयर इट केम फ्रॉम, नैनोमीटर। तो इसका मतलब साइज जो हुआ 10^-9, 10^-9 का मतलब है कि आपके जैसे बाल, मेरे आपके बाल तो नहीं है लेकिन अगर बाल होना तो बाल के साइज जो है वो माइक्रॉन में होता है, 10^-6, उसका भी 1000वां हिस्सा करें ना तो वो जाके फिर नैनोमीटर्स के अंदर बात आती है वो। तो आप आँखों से नहीं देख सकते उनको, आँखों की एक लिमिट होती है 450-750 नैनोमीटर, उसके बाद आगे नहीं देख सकते। तो अगर आप 1-2 नैनोमीटर की बात करें वो अपनी आँखों से नज़र नहीं आता। तो नैनो टेक्नोलॉजी का एक डेफिनेशन ये है कि 100 नैनोमीटर्स की कोई चीज़ हो, कोई एक डायमेंशन, 3 डायमेंशन में से 100 नैनोमीटर्स की हो। उसकी एक शर्त ये भी है कि जब उसको किसी बड़ी चीज़ को छोटा करें तो उसकी प्रॉपर्टीज़ बदल जाए, ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो कि बड़ी चीज़ में नहीं है। तो सर अभी रीसेंट डेवलपमेंट्स इन नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो साइंस अगर थोड़े से वो शेयर करें। इतनी सारी हैं कि अगर हम बात करेंगे ना इसके ऊपर तो सारी दिन और रात दोनों गुजर जाएंगे, लेकिन अब मैं कुछ कुछ चीज़ें वो मैं आपको बता देता हूँ। तो एक सबसे बड़ी बात है वो मेडिसिन की। फ़र्ज़ कीजिए आपके उंगली के अंदर कोई चोट लगी है ना, आपको उसमें दर्द हो रहा है, तो आप क्या करेंगे उंगली के लिए? दवा कहेगा जी आप ये नाप्रॉक्सिन खा लें या पैरासीटामोल खा लें। तो आपने खाई कैसे? आपने मुँह से खाई ना। अब वो मुँह से जो गई वो आपके मुँह से मैदे में गई, मैदे से खून में गई, खून से फिर उंगली में आई आपके, फिर आपका दर्द कम हुआ, लेकिन वो तो दवा आपके कान में भी पहुंच गई, वो तो आपके सर में भी पहुंच गई और उसके पैर में भी पहुंच गई, जहाँ कुछ नहीं हुआ था वहाँ सब ठीक ठाक थी चीज़ें। तो वो कैसे फिर उसको कैसे हम सिर्फ उंगली तक की, क्योंकि वो नुकसानदेह भी हो सकती है। जो दवा उंगली के दर्द के लिए फ़ायदेमंद है वो शायद कान में नुकसान करे या ब्रेन में नुकसान करे, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपने देखा वो कैंसर थेरेपी के अंदर लोग जो कीमोथेरेपी करते हैं उससे बाल झड़ जाते हैं, क्योंकि वो सेल मारती है ना, तो सारे सेल मार देती है, तो उसके आप बाल भी निकल जाते हैं उनके। तो हालांकि कैंसर जो है वो किसी मेदे का कैंसर है या कहीं का भी कैंसर है, लेकिन अफेक्ट सारे जिस्म के अंदर हो रहा है इसमें। तो एक ये नैनो टेक्नोलॉजी की एक बड़ी एक ज़बरदस्त ईजाद है जिसकी अभी इस्तेमाल शुरू हो गया, यानी कि सिर्फ साइंस की हद तक के मौजूद है। वो ये कि उसको कहते हैं डायरेक्टेड ड्रग डिलीवरी, जहाँ पे आपको ज़रूरत है वहाँ पे पहुँचाएं। वो कैसे कर सकते हैं? अब आपने पैरासीटामोल खाया, अब उसको आपने सिर्फ यहाँ ले जाना है उंगली के ऊपर, तो वो उंगली के ऊपर ऐसे आएगी कि वो उसके पार्टिकल्स, नैनो पार्टिकल्स जो बनेंगे वो आयरन के बनेंगे और उसके अंदर वो दवा है, ठीक है। अब आप आयरन को तो आपको पता है कि मखनातीस से वो जहाँ भी उसको ले जाना चाहें ले जा सकते हैं। आप वो आयरन के पार्टिकल से दवा खाई आपने, अब वो दवा जो है उसको आप डायरेक्ट करें मैग्नेटिक फील्ड से, वो सीधा आपकी उंगली में आ गई। उसके अलावा एक बड़ी कमाल की बात यह है कि हमारे दिमाग में एक ब्लड ब्रेन बैरियर है जी, जिसके ज़रिए ब्लड जो है वो ब्रेन से बिल्कुल अलग रहता है, क्योंकि ब्लड के अंदर कोई प्रॉब्लम हो ना तो वो ब्रेन में अगर जाए तो बड़ा मसला हो जाता है। लेकिन अगर आपको कोई ऐसी ट्रीटमेंट है जिसके लिए आपको दवा चाहिए ब्रेन के अंदर,
तो उसका शरीर एक ही तरीका है, वो नैनो पार्टिकल, वो नैनो पार्टिकल से ले जाएं, वो नैनो पार्टिकल में ले जाएगा। अब मैं आपको और भी बता दूं, एक और बता देता हूं, वो ये कि पानी के फॉर एग्जांपल ट्रीटमेंट के लिए, पानी का हमारे पास बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, पानी के बैक्टीरिया वायरसेस वगैरह के अंदर, तो हमारे पास कोई ऐसा फिल्टर नहीं है पानी का कि जिससे आप उसको फिल्टर कर सकें। तो नैनो पार्टिकल्स बाज ऐसे होते हैं जो कि सूरज की शवाओं से एक्साइट होते हैं, वो अगर आप उसके अंदर फिल्टर के अंदर डाल देना तो आप फिल्टर में, आप फिल्टर में क्या होता है, जो पानी ऊपर से गया, जो चीज़ें फिल्टर करनी है वो रह जाती हैं ऊपर, कुछ देर के बाद फिल्टर बंद हो जाता है, वो फिल्टर क्लॉग हो गया। लेकिन ये पार्टिकल ऐसे होते हैं जो सूरज से एक्साइट होके वो जो क्लॉग करने वाली चीज़ को ऑक्सीडाइज कर देते हैं। अब हमारे वायरसेस बैक्टीरिया में क्या है, सिर्फ वो है कार्बन है हाइड्रोजन है, उसको अगर ऑक्सीडाइज करेंगे तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, वो ऊपर चली जाती है, पानी बनेगा वो नीचे चला जाता है, फिल्टर साफ हो गया। तो पूरे आप वायरसेस को भी उससे फिल्टर कर सकते हैं और कंटिन्यूसली कर सकते हैं। इस पर मैंने बहुत सारा काम किया था, तो वो मैंने एक पिपेट बनाई थी, इसको आप बना के अपने जेब में रख लें, जहाँ जाएँ कोई भी पानी ले लें, बिल्कुल गंदा पानी होगा तो उसमें तो मजीद पार्टिकल्स हैं, वो तो अलग चीज़ है, जो पानी जिसमें बैक्टीरिया या वायरस है, साफ पानी है ऊपर से लेकिन अंदर बैक्टीरिया है, तो आप उसको पाइपेट से इस्तेमाल पिएं और फिर उसको सूरज में रखें 5 मिनट के लिए, वो तैयार, वापस जेब में रखें, वो चलते रहेगी वो। अच्छा, उसकी जो कीमत है वो अभी $1 तक की आ गई है, वो $1 भी बड़ा मुश्किल है लोगों के लिए, लेकिन उसकी कमाल की बात ये है कि वो कोई टाइम मुकर्रर नहीं है उसका, वो चलती रहेगी जब तक कि आप चलाना चाहें। तो सर आप क्या देखते हैं कि आइंदा आने वाले सालों में जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन, कॉमन मैन इन पाकिस्तान को माइक जो नैनो टेक्नोलॉजी कैसे बेनिफिट करेगी और क्या प्रोडक्ट्स होंगे जिससे वो बेनिफिट हो सके? हर चीज़ का यही है ना कि अफोर्डेबिलिटी हर एक आदमी की बस की बात नहीं होती, वो फिर वो पॉलिसी वाले पॉलिटिशन वगैरह मिलके वो ऐसा कर देंगे जिसके सबके लिए हो। बाल का वो शेर है ना कि जिस खेत से दहखा को मैसर ना हो रोटी, उस खेत के हर खोशा एक गंदम को जला दो। तो क्या ये एक सोचने वाली बात है, क्या ऐसी तिरात इनोवेशन करनी चाहिए जिन जो कि सिर्फ कुछ लोग अफोर्ड कर सकें जी, या वो भी ना करें जी, है ना? वो मेरे हिसाब से तो करनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ पॉलिसी और ऐसे गवर्नमेंट विल ऐसी होनी चाहिए कि सबके लिए मौजूद हो, तो उसके बाद से वो काम चल सकती। तो ये भी पाकिस्तान में भी यही है कि जो हमारे पास जितनी भी चीज़ें प्रोडक्ट्स हैं, एंटी बैक्टीरियल सिल्वर है, सिल्वर की तो हमारे पास, अब हम मिठाई खाते हैं उसके ऊपर सिल्वर की पन्नी लगी होती, क्यों लगाते हैं वो? एक तो अच्छी लगती है कि चलो अच्छी है, लेकिन उसका ओरिजिनल मकसद ये था कि सिल्वर से बैक्टीरिया मरता है। तो वो चाइना में सिल्वर स्पून से बनाते थे, जो लाइफ विद सिल्वर स्पून एक कहावत है अंग्रेजी में, वो सिल्वर स्पून की वजह ही कि आप उसके सेहतमंदी से आप उसका बचपना गुजर सकता था। तो वो अब वो चीज़ें हैं नैनो इसमें भी अवेलेबल हैं, बैंडेज है जिसमें नैनो है, आप शर्ट है, शर्ट के अंदर उन्होंने नैनो सिल्वर डाल दिया है, आप उसको एक हफ्ते तक पहनने लगे, कभी धोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो शर्ट से जो आपकी बू आती है वो बैक्टीरिया से आती है, वो बैक्टीरिया को मार दें कोई बू नहीं, तो वो सिल्वर जो है वो बैक्टीरिया को ख़त्म कर देता है, वो आपको उन्होंने इसमें डाल दिया। तो ये प्रोडक्ट्स अभी जाके आप गूगल करें तो आप ख़रीद के उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये हर एक के ख़रीदने की बात नहीं है। तो अब वो एक ऐसी शर्ट है जो कि सिर्फ अमीर आदमी इस्तेमाल करे, तो क्या उसमें इतनी करना चाहिए मेहनत कि उसको उसकी ईजाद हो? वो ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन उसके अलावा ऐसी शर्टें भी हों जो कि हर एक ऊपर से लेकर नीचे तक के उसको सब्सिडाइज करके या किसी तरीके से करके उसको अवेलेबल किया जा सके। तो ये पाकिस्तान में भी यकीनन हर एक जो भी चीज़ें बाहर हैं वो यहाँ पे भी हो सकती हैं, लेकिन उसको थोड़ा सा समझ बूझ के उसको स्प्रेड करना पड़ेगा। बड़ी सर आपने अच्छी बात की और आपने बड़े ज़बरदस्त एग्जाम्पल्स दिए कि जो अगेन जो है ना हमें इंक्लाइंड करते हैं टू मूव टूवर्ड्स दिस न्यू फील्ड ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। सर आपने टेक्नोलॉजी बेस्ड एथिक्स भी जो है ना बिल्कुल बिल्कुल पढ़ा है सर, तो इसका क्या इम्प्लीकेशन है सर ऑन ऑल ऑफ दिस? एथिक्स में आपको बताया जाता है कि क्या करना चाहिए, व्हाट कैन बी डन और व्हाट शुड बी डन। अब मेडिकल इनोवेशंस के अंदर, नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर, जैसे डायरेक्टेड ड्रग डिलीवरी की मैंने बात की थी ना, अब उसमें ऐसी भी ड्रग्स आ गई हैं कि आपकी उस जहानत को डबल कर देंगी, है ना? अब वो उसका मैनिपुलेशन जो है उन ड्रग्स का, वो सारा नैनो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी। अब वो जो है, अब यकीनन अब वो एक आदमी जो कि बड़ी मुश्किल से जिसका गुजारा हो रहा है, वो तो ये नहीं सोचेगा कि जी मैं इसमें कोई 4 लाख रुपए लगा के
मैं अपनी अकल बड़ी कर दूँ तो मुझे और बहुत सारे मुझे बेस मिल जाएंगे रहने, उसके तो दिमाग में बात नहीं आएगी। तो इसका मतलब ये कि ये टेक्नोलॉजी सिर्फ उन चीज़ उन लोगों के लिए डेवलप कर रहे हैं जो अफोर्ड कर सकें। तो इसका मतलब ये कि अमीर जो है वो और अमीर हो जाएंगे, है ना, और जो गरीब है वो तो वैसे ही जहाँ पे हैं वहीं पे, तो वो जो उनका डिफरेंस है वो फिर बढ़ता जाएगा। ये भी एक बहुत बड़ा एथिकल क्वेश्चन है। उसके अलावा अभी कल एक खबर आई थी, आज 2023 की बात है, कि इस्लामाबाद में कोई 200 कैमरे और लगाएंगे ताकि इस्लामाबाद बहुत सेफ सिटी बन जाए। उसका मकसद क्या है? कि वो विजिलेट करना ना, कि कौन जा रहा है, कहाँ जा रहा है, किस तरह जा रहा है। तो ये तो अभी आप अगर जाएंगे सड़क पे तो आपको कैमरा नज़र आ जाएगा, कैमरा है वहाँ पे, तो क्योंकि वो मैक्रो चीज़ है। अब ये सारी टेक्नोलॉजी एक नैनो पार्टिकल में भी आ सकती है। अब हम यहाँ बैठे हुए और कैमरे चल रहे हैं हमारे पास, कोई 10,000 कैमरे इस हवा में हैं जो हमको नज़र नहीं आ रहे जी, ठीक है। अब ये तो फिर प्राइवेसी इशू आ गया जी, है ना, ये तो आप लॉयर हैं, आप इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो ये फिर लीगल एंड एथिकल दोनों चीज़ें हो जाती हैं कि ये कैसे करेंगे। अब हमने एक प्रोजेक्ट इसी बारे में किया था कि वो एक घरों से जो बिजली इस्तेमाल करते थे उसको पता करने के लिए कि कौन सा घर कैसी कितनी बिजली इस्तेमाल करता था, तो उसमें एक कैमरा लगा हुआ था जो लाइटें बुझने जलने के वो रिकॉर्ड करते रहता था। एआई का सारा काम है इसके अंदर, और वो उसके अंदर हमने कैमरे भी फिर मिनिएचर कैमरेज वगैरह लगा दिए थे उसके अंदर। तो बहुत बड़ा एतराज़ हुआ था कि आप लाइट तो देख रहे हैं लेकिन लाइट के अलावा आपको और क्या देख रहे हैं। उसको फिर उस इन्फॉर्मेशन को इस तरह से कोड करना पड़ता था कि उसको डीकोड ना कर सके, कि सिर्फ लाइट नहीं नजर आ रही बल्कि रहने वालों के बारे में पता चल रहा है कि ये क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, फिर उनको फिर एडवर्टाइज फोकस करें उनके ऊपर या उस किस्म की चीज़ें, तो वो फिर एथिकल सारी चीज़ें आ जाती। तो ये नैनो टेक्नोलॉजी यकीनन इस लेवल पे हो जाती है कि उसका एथिक्स से एथिक के बगैर किए हुए उसको चलाना आगे मेरे ख्याल में बहुत ही नाइंसाफ़ी होगी। तो मेरे हिसाब से हर वो नैनो टेक्नोलॉजिस्ट जो इस चीज़ पे काम करता हो उसको यकीनन एथिक्स का एक कोर्स ज़रूर लेना चाहिए। जी जी, बड़ी पर्टिनेंट बात सर आपने की। सर आपने सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात भी की आप। जी सर, क्या कोरिलेशन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का और नैनो टेक्नोलॉजी नैनो साइंसेस का? सर एआई बगैर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इंटीग्रेटेड सर्किट के देयर इज नथिंग। एआई AI is only on the basis of the computer that store the information, जी. right? Or computers are only on the basis of the IC that runs the computer. तो वो तो बगैर nanotechnology has become the heart of artificial intelligence in the conventional hardware sense. तो एक वो research वाला हुआ और दूसरा ये बड़ा बहुत बड़ा connection है nanotechnology का और artificial intelligence का। पाकिस्तान is sir an agri based economy. बिल्कुल सर, और मेजॉरिटी अभी भी हमारे सर रूरल साइड पे। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर हाउ कैन नैनो टेक्नोलॉजी, आप कैसे फोरसी करते हैं कि नैनो टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन से हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जो है ना वो फ्लरिश कर सकेगा और वो प्रोग्रेस कर सकेगा? अगर मेडिसिन के बाद दूसरे नंबर पे कोई चीज़ आती है वो एग्रीकल्चर आती है, जिसका नैनो टेक्नोलॉजी पे जिसका अफेक्ट हो। अब उसकी बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं, जो कि अब मैंने शायद आपको नहीं बताया कि अभी इस वक्त अगर आप बाज़ार में जाएंगे ना तो उसमें 2000 से ज़्यादा ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिसमें नैनो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है ऑलरेडी, आप जाके ख़रीद सकते हैं उसको। उसमें बहुत सारी चीज़ें, अब एक चीज़ ऐसी है कि फ़र्ज कीजिए आप सेब, हमारे पास बहुत बड़ी फसल होती है सेब की, बलूचिस्तान वगैरह के अंदर KBK वगैरह से आती है। एक ख़ास वक्त आता है सेब में कि जिसमें वो आपको दवा स्प्रे करनी पड़ती है, उस वक्त का पता नहीं होता कि क्या है, ठीक है, कौन सा वक्त है। तो वो ये करते हैं कि वो उस हफ्ते के एक दो हफ्ते पहले और एक हफ्ते बाद मुस्तकिल स्प्रे करते जाते हैं, क्योंकि उनको एग्जैक्टली पता नहीं होता कि वो कीड़ा कब उसको लगेगा। तो वो उसकी अगर प्रिसिशन हो जाए ना कि जी ये आज का दिन है इसको स्प्रे करना है, अच्छा उसकी क्या तरकीब होती है? उसकी तरकीब ये होती है कि सेब में से एक पोर होता है, स्पोर जो निकलता है, जो कि उस कीड़े को आइडेंटिफाई करता है कि ये टाइम हो गया है अब आपके जाने का, जाके आप वो सेब खाएं। तो वो फिर कीड़ा एक्साइट होता है, वो जाके उसको फिर वो करता है। वो स्पोर की जो डिटेक्शन है वो स्पोर वो नैनोमीटर स्पोर है। तो अब ये इसकी टेक्नोलॉजी नैनो टेक्नोलॉजी के ज़रिए हमें नैनो सेंसर्स मिल गए हैं जो उस एक स्पोर को डिटेक्ट करते हैं कि ये स्पोर निकलना शुरू हो गए हैं सेब में, और वह आप अपना स्प्रे कर दें। वो एक मरतबा स्प्रे करेगा, दैट्स इट, दे आर डन। तो वो बिल्कुल प्रिसाइसली वो सेंसिंग इतनी सेंसिटिव है कि वो जैसे ही स्पोर शुरू होगा वो खुद ब खुद ट्रिगर हो सकता है, अगर उसको ऑटोमेटिक करना चाहे। हमारे तो जाके हाथ से करते हैं,
लेकिन वहाँ पे बाहर कुछ लोगों ने ऐसा ऑटोमेटिकली लगाया हुआ, सेंसर लगाया हुआ, जैसे ही डिटेक्ट हुआ वो स्प्रे वाले को इंडिकेशन हो गई, वो स्प्रे हो गया, एक मरता स्प्रे हुआ, जितने भी जो कीड़े वीड़े सब मर गए और वो आपकी जो सेब है वो इतना एक्सपोज नहीं हुआ दवा को। तो ये बहुत बड़ी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी के अंदर है और amazing, amazing, sir. हाँ, और ऐसी इस किस्म की बहुत सारी इनोवेशंस हैं जो के सारी, अब वो मैंने अब जीनोम का तो जिक्र ही नहीं किया जो मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म GMOs का, तो वो थोड़ी सी मेरे हिसाब से वो फलसफा ज़रा सा गलत हो जाता है, लेकिन उसके अंदर जो नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर जो इस्तेमाल हो रहा है DNA मैनिपुलेशन का, वो सारी नैनो टेक्नोलॉजी है, वो सब उसी लेवल पे जाके आती है। तो वो ये तो बहुत एग्रीकल्चर फील्ड इज वास्ट इन नैनो टेक्नोलॉजी। सर ये जो हमारे स्टूडेंट्स ऑफ द फ्यूचर हैं, आप कैसे देखते हैं सर कि इनके लिए इस नैनो साइंसेज नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर क्या फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स हैं और अपने कैसे करियर्स डेवलप कर सकते हैं सर इसमें? ये बहुत बड़ा सवाल है। तो सबसे बड़ी बात यह कि एक तो एक स्टूडेंट्स की अपने इंटरेस्ट नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर हो, दूसरी कि इतनी ऐसी चीज़ें मौजूद हों यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर एजुकेशन सिस्टम में कि उसको अवेल कर सकें उन अपॉर्चुनिटीज़ को ताकि वो सीख सकें। इस तरह तो नहीं हो सकता कि आज मैंने सोचा कि मैं नैनो टेक्नोलॉजी पर काम करना शुरू करूँगा, उस पर एजुकेशन में लूँ और कल मेरे लिए एक नया बिल्कुल मुस्तकबिल मेरे लिए तैयार हो जाए। उसके लिए तो बहुत शुरू से प्रिपेयर करके फिर आगे चलना पड़ता है। तो नैनो टेक्नोलॉजी की एक अच्छी बात यह है कि उसमें सब चीज़ें इन्वॉल्व हैं, उसमें फिज़िक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, बायोलॉजी भी है, एथिक्स भी है, लॉ भी है, इन्वायरमेंटलिज्म भी है, सारी चीज़ें। अब ये एक जो मैंने VU के लिए कोर्स, उसको अगर आप देखेंगे तो वो शुरू से वो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव लेके चलेंगे और फिर आखिर तक के उसमें मॉडर्न नैनो टेक्नोलॉजी तक की बात है उसके अंदर। उसकी वजह क्या है सारी चीज़ों के समझने की वजह कि एक सवाल है जिसको हमें एड्रेस करना है, वो ये कि ये नैनो टेक्नोलॉजी में जितनी अच्छाइयाँ हैं उसमें कुछ खराबियाँ भी हैं, जिस खराबियाँ नहीं बल्कि लिमिटेशंस हैं, जो एथिकल लिमिटेशंस हैं, एनवायरमेंटल हैं, उनको एड्रेस करना है। अब उनको एड्रेस कैसे करेंगे कि जब आपको नैनो साइंस के बारे में पता ही नहीं हो? जैसे एक वो अफ्रीकन सेइंग है ना कि वन हु स्टैंड्स फॉर नथिंग फॉल्स फॉर एवरीथिंग। तो वो स्टैंड कैसे करेंगे आप अपना, वो कैसे बनाएंगे कि ये सही है ये गलत है? उसके लिए फिर नॉलेज की ज़रूरत है, नॉलेज के लिए फिर यूनिवर्सिटी जाने की ज़रूरत है या स्कूल जाने की ज़रूरत है या KG में भी कुछ ऐसे हो सकते हैं इंट्रोड्यूस। तो वो अगर उस तरीके से हमारा सेटअप पूरा हो जाए तो यकीनन आगे जाके अब वो नैनो इंडस्ट्रियलाइजेशन तो चल हो गई है, यहाँ पे भी आएगी, यहाँ पे आ गई है, अब वो उसको यकीनन हमें उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, जानते बूझते या बगैर जाने पूछे पार्टिसिपेट तो करना ही है। तो उसके लिए बेहतर ये कि हमारे पास टीम हो, बच्चे हों, साइंसदान हों, ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हों, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हों जो इस एरिया के अंदर जिसमें इनका इंटरेस्ट है, तो वो मिलके फिर प्रॉस्पेक्ट्स भी होंगे, जॉब्स भी होंगी, नॉलेज भी आएगी, डिस्कशन भी हो सकते हैं और कोई एथिकल अंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है हर चीज़ के बारे में, ताकि फैसला फिर सब कुछ समझ बूझ के किया जा सके। तो वेरी मोटिवेटिंग। मेरे ख्याल में जो भी हमारी ऑडियंस है और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो भरपूर तरीके से इस कोर्स के अंदर जो है ना एनरोल करेंगे और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि कैसे नैनो टेक्नोलॉजी और नैनो साइंस जो है वो उनकी डेली लाइफ को और उनके फ्यूचर को जो है कैसे अफेक्ट करती है सर। तो सर देर इज़ सो मच मोर टू लिसन टू यू। नेचुरली आपका 35 साल का तजर्बा है, 12 साल ड्यूपॉन्ट में और उसके बाद जो है 99 से आप माशाल्लाह डेलावेयर यूनिवर्सिटी के अंदर जो है ना आप पढ़ा रहे हैं एंड यू बीन अ डायरेक्टर ऑल्सो इन द स्कूल ऑफ जो बाइडन पब्लिक पॉलिसी। तो सर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सर हमारी यूथ? ये मैसेज तो हमेशा एक ही चीज़ होती है कि पढ़ने का मकसद क्या है। दो मकासद हैं, एक होते हैं नॉलेज को गेन करना, दूसरे होते हैं कि आप जो आगे बढ़ेंगे। सिर्फ नॉलेज से खाने पीने का मसला तो हल नहीं होता ना, रोज़ी भी चाहिए होती है, पैसे भी चाहिए होते हैं, तनख्वाह भी चाहिए होती है। तो दोनों चीज़ें सामने रख के हर फैसले होने चाहिए कि आपको नॉलेज भी चाहिए और आपको एक जॉब भी चाहिए जो आगे जाके मिल सके। तो आप ये देखें ये ऐसी फील्ड है कि जिसके अंदर दोनों चीज़ें सेटिस्फाई हो जाती हैं बहुत अच्छी तरीके से, और अगर आज नहीं है तो यकीनन कल ज़रूर होंगी। कि मैंने जैसे बताया था ना कि अभी इस वक्त मार्केट में अगर जाएंगे आपको 2000 से ज़्यादा चीज़ें जो आपको जाके आप ख़रीद सकते हैं पैसे से कि भाई ये खरीद। उसमें टेनिस की बॉल भी है, उसमें गोल्फ बॉल भी है, उसमें पर्सनल केयर के
एंटी एजिंग क्रीम भी है, जो जिससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है कल्चरली स्पीकिंग, लेकिन उसके अंदर यकीनन वो भी चीज़ें जो कि एग्रीकल्चर से जिससे रिलेटेड है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। अब हम अंदाज़ा करें, आप अगर किसी के पास जाके किसी सेब उगाने वाले को कहें कि जी आपकी जो सेब की खपत है वो तकरीबन 10 गुना ज़्यादा हो सकती है मार्केट के अंदर, अगर आपको जो ALR वगैरह जो भी लगाते हैं इसके केमिकल उसको कम कर सकें, तो वो क्यों नहीं करेगा? वो मुमकिन है शुरू में शायद समझ में ना आए, लेकिन शायद उसको थोड़ा सा उसके भी एजुकेशन हो, उसके बच्चे का भी एजुकेशन हो, तो आगे जाके सबकी समझ में आएगा। तो ऐसी चीज़ें जो कि मेडिसिन, एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंट, पानी, खाना, सब चीज़ों के लिए नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी हो गया है। तो वो तो इसका मतलब है कि जॉब की प्रॉब्लम नहीं होगी, जॉब की प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए, है ना? लेकिन आपके पास वो अगर एजुकेशन नहीं होगा तो जॉब कौन करेगा? वो फिर जॉब वो फिर वो जो जिसका ज़्यादा ताल्लुक नहीं है, जिसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है इतनी नैनो टेक्नोलॉजी से, वो फिर करेगा। तो बेहतर यही है कि हम शुरू से इस तरह का एक तो कल्चरली डेवलपमेंट होना चाहिए, पॉलिटिकल डेवलपमेंट होना चाहिए, प्लानिंग डेवलपमेंट होना चाहिए, एजुकेशन प्लानिंग डेवलपमेंट होनी चाहिए, जो कि कुछ हद तक के यहाँ पे काफ़ी काम शुरू किया है। HEC वगैरह ने काफ़ी सारा काम किया है इस सिलसिले में, और यूनिवर्सिटीज़ जैसे BU वगैरह काम कर रहे हैं इस कोर्स के थ्रू, और बाकी चीज़ें जो इसके अंदर आएंगी, तो ये काम हो रहा है। तो इसको फिर आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा कि आप उसको अपने इंटरेस्ट से ये सोच के कि इसमें आपको नॉलेज भी आएगी, और ये सोच के कि इसके बाद फिनिश कर लेंगे तो आपका स्कोप भी है, जॉब भी है, वो भी बहुत अच्छा मिलेगा। तो वो दोनों को लेके फिर इसको फॉलो करें आप, तो इंशाल्लाह यकीनन बरकत होगी। Thank you so much, Dr. Saab. It has been a wonderful session, sir. Short, succinct, sharp, crisp session, sir, on nanotechnology, nanosciences, sir. I would just like to again stress upon jo Dr. Saab ne baat ki hai, ke ye need of the hour hai ke hum log jo hain ab technology centric ho jayein aur hum log practicum focused ho jayein, aur jo hamare students hain khas taur pe wo aise subjects ke andar enroll karein जिसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन हो और एप्लीकेशन हो, जिससे ना सिर्फ वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर करें बल्कि जो पूरा मुआशरा है और जो पूरी ह्यूमैनिटी है उसको फ़ायदा पहुंचा सकें। सो डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, इट हैज़ बीन सच एन ऑनर सर, ऑन बिहाफ ऑफ वर्चुअल यूनिवर्सिटी सर, थैंक यू सो मच सर। वी लुक फॉरवर्ड कि आप सर और भी बहुत सारे कोर्सेज कराएँ और बहुत सारे पॉडकास्ट कराएँ, हमारी यूथ को इंस्पायर करें, हमारे पॉलिटिशंस को सर आप गाइड करें, और एक बेहतर पाकिस्तान की तरफ मैं नहीं कर सकता, बाकी मैं सब कुछ कर सकता। और एक बेहतर पाकिस्तान की तरफ चलें सर, इंशाल्लाह। तो सर पाकिस्तान के लिए एक छोटा सा नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद।